आई बसंत पाल उड़न, यानी बसंत आई और ठंड गायब। नमस्कार, मैं श्वेता मेडिटेशन वेदा पे वसंत ऋतु के स्पेशल वीडियो में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हर ऋतु अपने साथ लेकर आती है नया उत्साह, नई उमंग और नया उल्लास। जी हाँ, लेकिन इस मौसम में न तो ठंड होती है और न ही गर्मी, होता है तो हर तरफ एक अनोखा सा आनंद। वसंत ऋतु के आते ही झड़े हुए पेड़ों से कोंपले आने लगती हैं, मानो लगता है जैसे नए जीवन की शुरुआत हो रही है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि ऋतुओं में राजा है वसंत ऋतु। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी मनाई जाती है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वसंत पंचमी का क्या महत्व है और इस दिन माँ सरस्वती की पूजा क्यों की जाती है। सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा ने जीवों और मनुष्य योनि की रचना की। अपनी सर्जना से वे संतुष्ट नहीं थे, उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। विष्णु से अनुमति लेकर ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल छिड़का। पृथ्वी पर जल कण बिखरते ही उसमें कंपन होने लगा। इसके बाद वृक्षों के बीच से एक अद्भुत शक्ति का प्राकट्य हुआ। यह प्राकट्य एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। ब्रह्मा ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जल धारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब ब्रह्मा ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती को बागीश्वरी, भागवती, शारदा, वीणा वादिनी और वाग देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदाता हैं। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी हैं। वसंत पंचमी के दिन को इनके जन्मोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। इस दिन लोग न केवल पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, बल्कि देवी देवताओं को पीले रंग के फूल और मिष्ठान भी अर्पित करते हैं। पीला रंग इस बात का द्योतक है कि फसलें पकने वाली हैं। इसके अलावा पीले रंग को समृद्धि का सूचक भी कहा गया है। इस पर्व के साथ शुरू होने वाली वसंत ऋतु के दौरान फूलों पर बहार आ जाती है। खेतों में सरसों सोने की तरह चमकने लगता है। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है, प्रणो देवी सरस्वती वाजे भीर वजनी वती धीना मणि त्रयवतु, अर्थात ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हम में जो आचार और मेधा है, उसका आधार भगवती सरस्वती ही है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। अगर आप सरस्वती बीज मंत्र या सरस्वती गायत्री मंत्र सुनने के इच्छुक हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।